हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मेधा भाग 5 में प्रस्तुत पाठ श्रवण कुमार करवाने जा रही हूँ। आप में से कुछ बच्चों ने श्रवण कुमार के बारे में सुना ही होगा। टीवी पर इन दिनों दिखाए जाने वाले कार्यक्रम रामायण में श्रवण कुमार की भी एक छोटी सी कथा आती है। जब श्री राम अयोध्या छोड़कर 14 साल के वनवास के लिए वन में जाने लगते हैं, तो अपने पुत्र के वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। राजा दशरथ की मृत्यु से संबंधित ही यह एक कहानी है। चलिए तो हम अपना पाठ शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में श्रवण कुमार नाम का एक बालक रहता था। प्राचीन काल मतलब पुराने समय में। उसके माता पिता अंधे थे, मतलब उसके माता पिता देख नहीं सकते थे। वह अपने माता पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता था, मतलब हर एक आज्ञा का पालन करता था, हर एक कहना मानता था। उनके सभी कार्य भी वह करता था। कार्य मतलब काम, क्योंकि उनके माता पिता को कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इसलिए अपने माता पिता के सारे काम जो था वो श्रवण ही करता था। श्रवण कुमार उन्हें किसी प्रकार का कष्ट मतलब दुख नहीं होने देता था। एक दिन श्रवण कुमार के पिता ने कहा, बेटा हमारी इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा करें। तीर्थ यात्रा मतलब हम धार्मिक स्थानों पर जाएं, क्योंकि हिंदू समाज में यह माना गया है कि अंतिम जीवन के अंतिम चरण में अगर भगवान के दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा की जाए तो जीवन सफल हो जाता है और जीवन में किए हुए सारे पाप जो हैं वो दूर हो जाते हैं। पता नहीं हमारी यह इच्छा कैसे पूर्ण होगी, पूर्ण का मतलब पूरी होगी। तो श्रवण कुमार ने कहा, पिताजी मैं आप लोगों की यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा, मतलब जरूर पूरी करूँगा। श्रवण कुमार ने एक बड़ा सा बैंगा बनाया, मतलब एक पालकी बनाई, और उसमें अपने माता पिता को बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। उस पालकी में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को बिठाया और उनको तीर्थ यात्रा करवाने के लिए वो चल पड़ा। कई जगहों की यात्रा करने के बाद एक दिन वे घने जंगल से गुजर रहे थे। तो कई दिन वो तीर्थ यात्रा करते रहे और एक दिन वो बहुत ही ज्यादा घने मतलब संघने जंगल में से गुजर रहे थे। शाम का समय था, अंधेरा हो रहा था। तो श्रवण कुमार के पिता ने कहा, पुत्र हमें प्यास लगी है, हम जल पीना चाहते हैं। तो श्रवण कुमार ने कहा, अच्छा पिताजी आप लोग बैठिए, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। श्रवण कुमार ने बहंका उतार कर रखा और पास में बहती नदी में जल लेने के लिए गया। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को वहीं पेड़ के नीचे बिठाकर उनके लिए जल लेने के लिए चला गया। कमंडल पानी में डुबोते ही गड़गड़ की आवाज आई। कमंडल का मतलब पानी भरने के लिए यूज किया गया बर्तन, एक प्रकार की मटकी, छोटी गड़बी। उस जंगल में रात के समय राजा दशरथ जो थे वो शिकार करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने गड़गड़ की आवाज सुनी और जानवर की आवाज समझकर उसी दिशा में वान चला दिया। जब श्रवण कुमार कमंडल में पानी भर रहा था तो उसके पानी भरने की गड़गड़ की आवाज सुनकर राजा दशरथ ने अपना शब्द भेदी बाण जो था वो श्रवण कुमार की तरफ चला दिया। बाण जो था श्रवण कुमार की छाती में जा लगा। हा पिता हा माता, श्रवण कुमार जो था वो दुख के कारण चिल्लाने लगा, मुझ निर्दोष पर किसने बाण चला दिया। निर्दोष मतलब जिसने कोई कसूर ना किया हो, जो बेकसूर हो। तो श्रवण कुमार के मुख में से अंतिम शब्द निकले कि मुझ पर किसने बाण चला दिया, क्योंकि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे ऊपर किसने बाण चला दिया। आवाज सुनकर राजा दशरथ दौड़कर वहां पहुंचे, परंतु जानवर की जगह श्रवण कुमार को देखकर पश्चाताप करने लगे। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने किसी जानवर पर नहीं, उन्होंने तो श्रवण कुमार के ऊपर वान चला दिया है। तो उनको बहुत पश्चाताप होने लगा, मतलब बहुत दुख होने लगा।
दशरथ ने अपना परिचय दिया। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को बताया कि वो अयोध्या के राजा हैं और वे श्रवण कुमार से माफी मांगने लगे क्योंकि उन्होंने अनचाहे में बिना देखे ही श्रवण कुमार के ऊपर वान चला दिया था। तो श्रवण कुमार से राजा दशरथ जो थे वो माफी मांगने लगे। हे राजन, श्रवण कुमार कहने लगा, हे राजन, मेरे माता पिता पास ही एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और वो प्यासे हैं, उन्हें यह जल पिला देना। तो श्रवण कुमार जो था अपने माता पिता के लिए पानी लेने आया था, तो उसने पानी जो है वो राजा दशरथ को दे दिया और उन्हें कहा कि यह जल जो है उसके माता पिता को पिला देना जो कि पेड़ के नीचे बैठे हैं। इतना कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। इतना कहकर श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। राजा दशरथ पानी लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास चले गए। श्रवण कुमार के माता पिता को आहट महसूस हुई और उनके पिता ने कहा, आओ पुत्र, तुमने बहुत देर लगा दी। तो दशरथ ने कहा, राजा दशरथ ने कहा, आप लोग यह जल ग्रहण कर लीजिए, आप लोग यह जल पी लीजिए। अपरिचित आवाज सुनकर श्रवण कुमार के माता पिता घबरा गए क्योंकि यह आवाज उनके पुत्र की नहीं थी। तो उन्होंने अपने पुत्र की आवाज पहचानी, उनको पता था अपने पुत्र की आवाज का। जब उन्होंने राजा दशरथ की अपरिचित आवाज जो कि कभी सुनी नहीं थी उसको सुना तो वो दोनों घबरा गए। आप कौन है, मेरा पुत्र कहाँ है? श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा कि आप कौन है और बताइए कि मेरा पुत्र कहाँ है। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार के माता पिता को पूरी बात बताई। उनकी बात सुनकर श्रवण कुमार के माता पिता विलाप करने लगे। मतलब रोने लगे। विलाप करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वह दोनों अपने पुत्र के दुख में मर गए। प्राण त्याग दिए मतलब उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उससे पहले राजा दशरथ को श्राप दे दिया। श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दे दिया था। क्या कहा? हे राजन, उसके माता पिता ने कहा कि हे राजन, तुमने हमारे पुत्र को मारा है, आज हम लोग अपने पुत्र के वियोग मतलब अपने पुत्र से दूर होकर अपने प्राण त्याग रहे हैं। तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी हमारी तरह ही अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। तो उन्होंने राजा दशरथ को यह श्राप दिया कि जिस प्रकार से आज हम अपने पुत्र से दूर होकर अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, मर रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी अपने पुत्र से दूर हो जाओगे, उसके वियोग में, उसके दुख में अपने प्राणों को त्याग दोगे। मतलब तुम्हारी भी मृत्यु अपने पुत्र से दूर होने के दुख में हो जाएगी। श्रवण कुमार एक आज्ञाकारी और माता पिता की सेवा करने वाला बालक था। हमें भी श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्रवण कुमार जो था बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा था। वह अपने माता पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता था। जिस प्रकार से उसने अपने माता पिता की सारी उम्र सेवा की, उसी प्रकार से हम लोगों को भी, आप सब बच्चों को भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं उनके लिए बहुत बुरी बात है। इसलिए सारे बच्चों को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए क्योंकि माता पिता की सेवा ही भगवान की सेवा है। उम्मीद है आप सबको यह पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।